सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हे गाइस, मेरा नाम अरंजन और आप देख रहे हो ठाकुर एंटरटेनमेंट। सो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुपर न्यूज के एपिसोड नंबर 10 में और आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो देखो, इस हफ्ते की सुपर न्यूज थोड़ी सी सैड न्यूज है और थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो पता नहीं मुझे सिचुएशन में क्या बोलना चाहिए, तो लेकिन इंट्रो के बाद आप समझ ही जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की अमेजिंग वीडियो को। दोस्तों, पहला एक सैड न्यूज है। लास्ट वीक जब मैंने सुपर न्यूज का 9th एपिसोड अपलोड किया तो मुझे कुछ ही देर बाद ये खबर पता चली कि चैडविक बोसमैन, यानी कि जो एमसीयू में ब्लैक पैंथर प्ले करते थे, अब वो कलाकार, वो आर्टिस्ट, वो एक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, बात करें चैडविक बोसमैन की, तो उन्होंने डेब्यू किया था किसी मूवी से या 2000 में। तो देखो, मुझे उस मूवी का नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ, मैंने उनकी फिल्में देखी है, 2-4 फिल्में देखी है उनकी। और एमसीयू की बात करें तो वो ऐसे कलाकार थे जो अपना काम ईमानदारी से करते थे। कभी भी उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में कभी भी रुकावट या गिरावट नहीं की, अपना काम हमेशा पसंद किया। तो एक ऐसे कलाकार थे जो बहुत ही जरूरी थे हमारे लिए। और एमसीयू की बात करें तो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर फिल्म में उनका इंट्रोडक्शन किया गया उनके कैरेक्टर का, और इसी फिल्म में डायलॉग है उनका कि वो कहते हैं, मेरी संस्कृति में मैं मौत अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। तो वो डायलॉग अभी बहुत से माधुरी फैन से दिलों में लग रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति देगा। चैडविक बोसमैन, रेस्ट इन पीस। तो चलो अब इस न्यूज के बाद शुरू करते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं एमसीयू के फेज 4 की पहली फिल्म यानी ब्लैक विडो के बाद इटर्नल्स की। तो इसी हफ्ते टाइटल में चेंज आ गया, तो उसके पहले तो टाइटल था द इटर्नल्स, तो अब फाइनली उसके टाइटल को रिवील किया गया और इसमें से दी हटा दिया गया। जी हाँ, अब वो मूवी का नाम है सिर्फ इटर्नल। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एंटमैन 3 की। जी हाँ, एंटमैन 3 जो कि एमसीयू में फेज 4 में या फिर फेज 5 में आ सकती है। तो अब बात चल रही है कि वो बहुत ही जल्दी फेज 4 में देखने को मिल जाएगी, ये कंफर्मेशन मिल रही है हमें। और दूसरा अपडेट ये है कि स्कॉट लैंड का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर, वो भी बहुत जल्द अपने रोल में वापसी करेंगे। तो देखते हैं अभी एंटमैन 3 कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डीसी की। तो जी हाँ, डीसी अब एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है, आप सभी को पता है डीसी सुसाइड स्क्वाड के बारे में, जिन्हें जेम्स गन डायरेक्ट करने वाले हैं। तो फाइनली ये रिवील कर दिया गया कि डीसी अभी अपनी इस मूवी को लेके बहुत सारे प्लानिंग कर रहा है। हाँ, शूटिंग खत्म हो चुकी है और लगभग थोड़ी सी बाकी होगी, बट फिर भी डीसी के प्लान्स खत्म नहीं हुए इस मूवी को लेके। अब एक पोस्टर रिलीज किया गया है जिसमें वो हर एक लैंग्वेज में डब होते हुए दिख रही है। जी हाँ, यानी कि जितने भी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस है, अब उस फिल्म को उतने लैंग्वेजेस में डब किया जाएगा। यानी कि डीसी मेहनत कर रहा है अपने इस फिल्म को डब करवाने में, यानी कि आम जनता भी अपने इस फिल्म को अपनी लैंग्वेज में देख सकती है, अपनी भाषा में देख सकती है। तो आप पे इसका क्या रिस्पॉन्स है कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। तो दोस्तों, अब अपना नेक्स्ट अपडेट निकल कर आता है द न्यू म्यूटेंट फिल्म से। जी हाँ, अब ये नाम कोई नया नाम नहीं है, आप 2017 से सुनते आ रहे होंगे कि द न्यू म्यूटेंट की शूटिंग चल रही है, द न्यू म्यूटेंट एडिटिंग में है, द न्यू म्यूटेंट अब रिलीज होगी। 17 गया, 18 गया, रिलीज नहीं हो पाई, 19 भी चला गया, लेकिन अब 2020 में फाइनली ये मूवी रिलीज हो चुकी है। जी हाँ, द न्यू म्यूटेंट रिलीज कर दी गई है, और यकीन नहीं मानोगे आप, ये मूवी थिएटर में रिलीज हुई है, जिसका कोई भी मतलब कुछ खास इम्पैक्ट मतलब था नहीं, हम लोग ने सोचा नहीं था कि ये सीधा थिएटर्स में लग जाएगी। हालांकि हमारे इंडिया में ये फिल्म रिलीज अब तक नहीं हुई है, और मैं चाहूंगा कि आप स्पॉइलर्स से बच के रहें, ये मूवी रिलीज हो चुकी है, बाहर के देशों में सिनेमा घरों में रिलीज हुई है, बट हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में हालात अलग हैं, तो इस वजह से ये सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो पाई। और डिज्नी प्लस में मेरे को लगता है कि अब डिज्नी वाले ये फिल्म उस पर लाएंगे। तो अब आप सबका क्या राय है इस पे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको वो मूवी का रिव्यू चाहिए, अगर मूवी इंडिया में रिलीज होती है, अगर मैंने देखी तो मैं पक्का उस पे रिव्यू बनाऊंगा। अगर आपको रिव्यू चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आके बताइए कि आपको रिव्यू चाहिए। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पर। गाइस, आपको याद होगा मैंने लास्ट वीक के सुबह न्यूज में बताया था शज़ाम 2 का ऑफिशियल टाइटल, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो यार, किसका इंतजार है। तो देखो, शज़ाम 2 से भी लगातार अपडेट्स निकल कर आते जा रहे हैं। तो शज़ाम 2 का शूटिंग मालूम पड़ गया है, हालांकि इस साल तो कुछ होने वाला है नहीं, तो अब अगले साल जैन के महीने से ही शायद शज़ाम की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। पर मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर आइडिया होगा, कम से कम डिले तो नहीं हो रही है ये फिल्म, और ये पेंडेमिक जो चल रहा है इसमें शायद राइटर्स अपने स्क्रिप्टिंग का काम खत्म कर लेंगे और जैन से सीधा शुरुआत होगी हमारे शज़ाम 2 की, जो शूट का शुरू हो जाएगा।
और फिर लिटरली जो हमें चाइल्ड एक्टर्स हैं उनकी एज ना बढ़ जाए इस बात का डर रहता है कि हर कैरेक्टर का एक परमानेंट एज होता है कॉमिक बुक्स में, बट वैसा हम लोग मूवीज में पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए अगर जो चाइल्ड आर्टिस्ट है उसको और मैच्योर कम लगना पड़ता है कि वो चाइल्ड आर्टिस्ट लगे, सो ये प्रॉब्लम हो सकती है शज़ाम 2 को लेके अगर वो और डिले करते हैं तो। तो उनके पास एक ही सोल्यूशन है कि फटाफट शूट कंप्लीट कर लिया जाए एक ही साथ, और मेरी मानो तो शज़ाम 2, 3 और 4 को एक साथ शूट कर लेना चाहिए, फिर बाद में उसमें धीरे धीरे एडिटिंग वर्क और बाद में एक एक करके रिलीज करना चाहिए। ये मेरे थॉट्स हैं, आपके थॉट्स क्या है कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पर। दोस्तों क्रिस्टोफर नॉलन नाम तो सुना ही होगा, ये एक ऐसे डायरेक्टर है जो हॉलीवुड में अपने मतलब लोहा मनवा चुके हैं सबसे। रिसेंटली उनकी फिल्म रिलीज हुई टेनेंट, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं इस फिल्म की बात क्यों कर रहा हूँ, हमारा कम्युनिटी तो ये नहीं है, ये चैनल भी इस टॉपिक पे नहीं है, तो हम लोग क्यों बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं क्रिस्टोफर नोलन ही एक ऐसे डायरेक्टर है जिन्होंने सुपर हीरो फिल्म बनाई थी जिसका नाम था मतलब एक सीरीज थी ट्रिलॉजी थी जिसका नाम था द डार्क नाइट, यानी कि मतलब ट्रिलॉजी थी, 3 फिल्म आई थी। तो पहली फिल्म का नाम है बैटमैन बिगिंस, दूसरी फिल्म का नाम है द डार्क नाइट और तीसरी फिल्म का नाम है द डार्क नाइट राइजेस। ये तीनों ही फिल्में क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा डायरेक्ट की गई थी। और मैं आपको बता दूं मैन ऑफ स्टील आपको याद होगी डीसी की फिल्म, हाँ वही मैन ऑफ स्टील जिसमें हेनरी कैविल ने सुपरमैन को रोल प्ले किया था, तो उस फिल्म को भी प्रोड्यूस किया था क्रिस्टोफर नोलन ने। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे तो अब उनका लेना देना है नहीं, तो मैं आप क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। तो उनकी फिल्म रिलीज हुई है टेनेंट जिसमें रॉबर्ट पैटिसन हमें देखने को मिले। तो जब वो टेनेंट फिल्म की शूटिंग कर रहे थे सेम टाइम पे वो ऑडिशन भी दे रहे थे द बैटमैन फिल्म का। जी हाँ रिसेंटली उसका ट्रेलर आया, मैंने आपको बताया ट्रेलर कहाँ मिलेगा और किस हाल में आप देख सकते हो उसको। तो अब ये न्यूज निकल कर आई है कि क्रिस्टोफर नोलन को पता ही नहीं था कि रॉबर्ट पैटिसन बैटमैन को रोल प्ले करने वाले हैं। जी हाँ रॉबर्ट ने ये बहाना बनाया था कि फैमिली इमरजेंसी में उन्हें कहीं जाना होगा, पर वो टेनेंट के सेट को छोड़ के गए थे वॉर्नर ब्रदर्स के पास डीसी के बैटमैन फिल्म के ऑडिशन के लिए। तो आपको सुन के ये न्यूज कैसा लगा है, आपका क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। सो फ्रेंड्स फाइनली ये वीडियो ये एपिसोड भी यहाँ पर हम खत्म करते हैं। तो आपको ये सारे न्यूज सुन के कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, अगर वीडियो पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक करो, पर हाँ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने वीडियो डिसलाइक किस रीजंस की वजह से किया है, क्योंकि जब तक आप मुझे अपना ओपिनियन बताओगे नहीं तब तक मैं उन अपनी कमजोरियों पर काम कर नहीं पाऊंगा। तो चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में या फिर ऐसी ही किसी वीडियो में। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लेना, यही मैं आखिरी बार शब्द बोलना चाहूंगा, तब तक के लिए जय।